देखा गया है कि आप जोड़ने और घटाने में आपको दिक्कत होती है, खास तौर से प्लस और माइनस के साइन को लेकर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 53 प्लस 17 अगर आप ऐड करते हैं तो आप आसानी से 70 लिख देते हो। अगर 53 माइनस 17 है तो यहाँ पर भी आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब कभी भी संख्या इस तरह की बनती है कि पहली संख्या में माइनस का और दूसरी संख्या से पहले प्लस का साइन होता है, या अगर आपको दोनों संख्याओं के से पहले अगर माइनस का साइन होता है, तो इस तरह से जो आपके पास क्वेश्चंस बनते हैं इनमें आपको दिक्कत होती है। प्यारे साथियों, छोटी सी वीडियो में सीखेंगे कैसे करके आप प्लस माइनस का कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं और सीखेंगे कैसे प्लस माइनस का झगड़ा हम दूर कर सकते हैं। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार अशोका द एग्जाम गुरु में। मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय मौर्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की छोटी सी वीडियो की, लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं कि आज के बाद आपको इस तरह के सवालों में ना, जोड़ने घटाने के सवालों में प्लस के और माइनस के साइन को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला। बहुत ही आसान तरीके सीखेंगे, आपको एग्जाम्पल के माध्यम समझाएंगे, और जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं या आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह से भी चीजें हो सकती हैं। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा आपका लिखा है मान लीजिए 3 + 2। बहुत छोटे से एग्जाम्पल लेता हूं, संख्या छोटी ले रहा हूं जिससे आपको समझाने में आसानी रहे। 3 + 2 इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, आप आसानी से लिख सकते हो। 5 इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 3 - 2 तो यहां पर भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कितना आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होती है। जब कभी भी इस तरह से क्वेश्चन बन रहा है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा -2 और +1 लिखा, अब कितना आएगा, तो यहां पर आपको डाउट होता है। तो बिल्कुल ध्यान समझिएगा, यहां पर -2 है तो आप करिए 2। यहां पर मान लीजिए व्यक्ति है, मैं आपको बना के दिखा रहा हूं यहां पर बहुत आसान तरीके से। ये दो व्यक्ति आपके ये हो गए, एक व्यक्ति आपका ये है, तो आपने इसको अलग बना लिया, इसको अलग बना लिया। यहां पर प्लस का साइन लगा है, इन दोनों व्यक्तियों के ऊपर आपका माइनस का साइन लगा हुआ है। बहुत ध्यान से देखिएगा, अब हमने करना क्या होता है, झगड़ा कराना है। देखो ये प्लस का साइन है, इसके पास माइनस का साइन है, ठीक है। ये पॉजिटिव सोचता है, ये नेगेटिव सोचता है। अब आप समझिए इनकी थिंकिंग अलग अलग है, ये पॉजिटिव सोचता है, ये नेगेटिव सोचता है, ठीक है, इनकी सोच अलग अलग है। तो क्या इनमें मित्रता होगी, इनमें मित्रता नहीं हो सकती। जब मित्रता तभी हो सकती है जब सोच एक जैसी हो, ठीक है, सोच लगभग एक जैसी हो, लेकिन यहां पर सोच एक जैसी नहीं है, तो इनमें और इनमें दोनों में मित्रता नहीं हो सकती। तो होगा क्या, झगड़ा होगा भी। जब झगड़ा होगा तो एक व्यक्ति का झगड़ा एक से होना है, ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति का झगड़ा एक से होना है। और यहाँ पर एक व्यक्ति का, ये आपका प्लस का साइन का है, तो झगड़ा किसी एक व्यक्ति से करा दो, मान लीजिए पहले व्यक्ति से करा दी झगड़ा। अब झगड़ा हो गया इनमें आपस में, कौन बचा आपके पास, ये बचा, ठीक है। इन दोनों का झगड़ा तब तक होना है जब तक आपस में इनकी मृत्यु ना हो जाए। झगड़ा इस तरह करवाना है जब आप इनकी मृत्यु ना, तब तक करवाना जब तक इनकी मृत्यु ना हो जाए। तो इन दोनों की तो डेथ हो गई भाई आपस में लड़ने के बाद, कौन बचा, ये बचा। अब ये बचा है तो एक बचा है, एक बचेगा, यहाँ पर आपका एक बच गया। साइन किसका लगेगा, कौन से साइन का व्यक्ति बचा है, कैसी सोच वाला व्यक्ति बचा है, तो नेगेटिव सोच वाला व्यक्ति बचा है, तो इसका मतलब आपका माइनस का एक यहाँ पर हो जाएगा। बहुत छोटी सी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिखा आपका -3 और +2 लिखा मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर आपके तीन व्यक्ति, 1, 2 और ये तीन व्यक्ति आपके, ये आपके माइनस की सोच वाले हो गए, ठीक है, ये आपकी माइनस के सोच वाले हो गए। इधर आपके दो व्यक्ति और हैं, ये आपके पॉजिटिव सोच वाले हो गए। अब इनमें भी झगड़ा होगा भाई, क्योंकि एक माइनस का ग्रुप है, एक प्लस का ग्रुप है, तो इन दोनों में झगड़ा होगा। झगड़ा होगा तो एक का झगड़ा इससे करा दो भाई, है ना, एक का झगड़ा इससे करा दो। झगड़ा इसका इससे करा दिया भाई, इसका इससे करा दिया, कौन बचा, ये बचा। यहां पर कितना बचेगा, एक बचेगा। अब एक बचेगा तो कौन से साइन का बचेगा, तो आप कहेंगे सर ये माइनस का साइन का व्यक्ति है, यहां पर माइनस का एक बच जाएगा। चलिए और देखते हैं, यहां पर मान लीजिए लिखा हुआ है प्लस का 5 और 8, ये 5 और 8 है। अच्छा, जिससे पहले कोई भी साइन नहीं लगा होता है इसका मतलब प्लस का साइन है, तो यहां पर जो 5 है 5 से पहले किसका साइन होगा, प्लस का साइन होगा। तो ये 5 बना लो, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये 5 हो गए आपके व्यक्ति, ठीक है, ये 5 व्यक्ति आपके प्लस के साइन के हो गए। इधर आप देखो तो 8 बना लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, ये आपके माइनस के साइन के हो गए। सबको समझ में ये बात आ रही होगी। अब देखो झगड़ा इससे इससे करा दिया, इसका इससे हो गया, इसका इससे हो गया, और चौथे का चौथे से हो गया, पांचवे का पांचवे से हो गया, कौन बचा भाई इधर, ये तीन व्यक्ति बचे, तीन बचे, इसका मतलब आपके तीन लिख देंगे यहाँ पर। साइन किसका लगेगा, कौन से साइन के व्यक्ति बचे हैं, तो आप कहेंगे माइनस के साइन के व्यक्ति बचे हैं, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। और
तो यहां पर आपको एक बात समझ में आ रही होगी, इस एग्जाम्पल में आपने देखा, इस एग्जाम्पल में भी आपने देखा और इस एग्जाम्पल में आपने देखा। देखो जिस जो साइन की संख्या बड़ी होगी, जो साइन की संख्या बड़ी होगी, ठीक है, तो यहां पर ये दो, ये बड़ी है इससे, एक से बड़ी है, अगर साइन को भूल जाए तो ये दो बड़ा है एक से, ठीक है, अगर साइन को भूल जाए तो आपका दो एक से बड़ा है, इसका जो संख्या बड़ी होगी उसमें से छोटी को माइनस करो, तो दो में से आप एक को माइनस करेंगे तो एक बचेगा, अब बचेगा किसका, जिसका जो जिसके जो संख्या बड़ी होगी उसका साइन लगेगा, तो दो बड़ा है तो दो का साइन यहां पर लग गया। ऐसे यहां पर देखो आप, यहां पर तीन और दो को देखो, तो तीन और दो में से माइनस करोगे तो एक बच गया, साइन किसका लगेगा, कौन संख्या बड़ी है, तीन बड़ी है, जिसके जो संख्या बड़ी होगी उसका साइन लगेगा तो माइनस का आ गया। अब यहां पर देखो भाई, पांच और माइनस आठ है, तो देखो पांच और आठ को घटाओगे मतलब माइनस करोगे तो आठ में से पांच घटाओगे तीन बच जाएगा, साइन किसका आएगा, अब देखो यहां पर प्लस का है, पांच से पहले प्लस का है और आठ से पहले माइनस का है, तो मैंने कहा साइन उसी का लगेगा जब जो संख्या बड़ी होगी, तो आपका साइन देखो संख्या बड़ी ये वाली है, आठ के पहले कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस का आ गया। बहुत छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो ऐसे यहां पर आप एग्जाम्पल देख सकते हो, आपके चार्ट पे लिखा हुआ है 53 और 17, ठीक है, माइनस का 53 और 17, तो 53 और 17 जब हम माइनस करेंगे, पहले तो आप साइन को भूल जाओ, माइनस कर दो, तो 36 बच जाएगा, 36 बचेगा, तो अब आप देखो यहां पर साइन जो संख्या बड़ी है, बड़ी संख्या 53 है 17 53 में, तो 53 बड़ी है तो साइन किसका लग जाएगा, साइन आपका किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम और एग्जांपल लेते हैं, चीजों को और समझने का प्रयास करते हैं, बहुत आसान तरीके से सीखेंगे अपन लोग, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, विश्वास रखो बहुत आसान तरीके से सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, तो बस झगड़ा ऐसे करवाना है कि एक का झगड़ा एक से होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिएगा, बाकी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मान लीजिए मैंने लिखा संख्या ली मैंने माइनस का, मैंने संख्या ली, एक सेकेंड रुकिएगा थोड़ा सा, ठीक है, संख्या मैंने लिख दिया, मान लीजिए माइनस का 5 और माइनस का 3। अब देखिए यहां पर दोनों के साइन एक जैसे हैं, चलो मैं एक बार एग्जांपल समझा दे रहा हूं, ये आपके पांच व्यक्ति बना लिए, ये आपके पास जो है माइनस के साइन के हैं, जो दूसरा ग्रुप है तीन व्यक्तियों का, इनके पास भी माइनस का साइन है। अब आप समझिएगा, ये इनकी और इनका दिमाग एक जैसा है, दोनों के दोनों ग्रुप जो है वो नेगेटिव थिंकिंग के हैं, जब थिंकिंग इनकी एक जैसी हो गई तो इनमें झगड़ा तो होना ही नहीं है ना, ठीक है, झगड़ा तो होना ही नहीं है, झगड़ा नहीं होगा तो क्या होगा, इनमें मित्रता होगी, ये पांच लोग का ग्रुप तीन लोग का ग्रुप ऐड होगा तो ग्रुप कितने लोग का बन जाएगा, पांच और तीन आठ लोगों का ग्रुप बन जाएगा। लेकिन साइन किसका आएगा, यहां पर भी माइनस साइन है, यहां पर भी माइनस साइन है, मतलब दोनों की थिंकिंग, दोनों के ग्रुप जो ग्रुप है हमारे पास, इनकी थिंकिंग कैसी है, माइनस थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, तो यहां पर क्या आएगा, आपका माइनस का आएगा। इसलिए देखो आपने देखा होगा पांच और प्लस तीन ऐसे लिखा होता है ना, तो यहां पर आठ क्यों आता है, आठ इसलिए आता है कि आप देखो तो यहां पर प्लस का साइन लगाया ना, जिस संख्या से पहले कोई साइन नहीं होता वहां पर प्लस का साइन होता है, तो यहां पर भी प्लस का साइन, यहां पर भी प्लस का साइन, दोनों की थिंकिंग जो है एक जैसी है, तो यहां पर भी किसका साइन आएगा, प्लस का साइन आ जाएगा ना, पांच तीन कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा। तो आपको समझ में चीजें आ रही होंगी, अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए, फटाफट से एक बार हम एक काम कर लेते हैं, एग्जाम्पल को समझ लेते हैं फटाफट से, अब आ जाओ फटाफट से, तो यहां पर जल्दी से बताओ कितना आगे, कमेंट करके आपको आंसर बताना है। जैसे मान लीजिए मैं लिखा माइनस का 4 और माइनस का 3, तो देखो दोनों की थिंकिंग एक जैसी है तो भाई इनमें क्या होगा, दोस्ती हो जाएगी, तो आपके चार लोग ये, तीन लोग ये, सात लोग हो जाएंगे, साइन किसका आएगा, माइनस का, क्यों आएगा माइनस का, क्योंकि भैया साइन जो है इनका एक जैसा है। अगर माइनस का 4 और प्लस का 3 लिखा है तब क्या बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपके तीन की लड़ाई इसमें तीन व्यक्तियों से होगी, ये तीन व्यक्तियों की लड़ाई जो है एक एक करके इसमें तीन व्यक्तियों से हो जाएगी, तो इसमें तीन व्यक्तियों की लड़ाई तीन से हो जाएगी, तो इसमें आपका एक व्यक्ति बचेगा जिसकी लड़ाई नहीं होगी, तो एक व्यक्ति बच गया, साइन किसका आएगा, कौन से साइन का बचेगा, माइनस के साइन का बचेगा, तो माइनस का साइन आ जाएगा। और देखो आप अगर लिखा हुआ है तीन माइनस का फाइव, तो यहां पर देखो जिसका जिससे पहले कोई साइन ना होता है प्लस का साइन होता है, लगाओ या ना लगाओ, तो यहां पर देखो इस वाले जो तीन व्यक्ति हैं इसमें तीन व्यक्तियों से झगड़ा होगा, इसमें से कितने व्यक्ति बचेंगे, दो बचेंगे, अब बचे कौन से वाले, माइनस वाले व्यक्ति बचे हैं, माइनस के व्यक्ति बचे हैं तो माइनस का साइन आ जाएगा। बहुत छोटी सी बात समझ में आपको आ रही होगी,
अगर लिखा हुआ है माइनस का 8 और माइनस का 60 तो क्या होगा भाई, दोनों कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, दोनों के साइन एक जैसे हैं, दोनों के साइन एक जैसे हैं तो मित्रता होगी। तो 8 और 7 कितने लोग हो जाएंगे, मित्रता होगी तो 15 लोग हो जाएंगे। उनकी बुद्धि कैसी होगी, माइनस की बुद्धि होगी। बताओ कितनी आसान बात है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आया होगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको क्या करना है, मैं आपको 3-4 एग्जांपल दे रहा हूं, आपको कमेंट में आप जो है कमेंट करके बताना है कि आपको इनका आंसर क्या लग रहा है, क्या आंसर आपको होना चाहिए। देखिए सभी को कमेंट करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई, बहुत मेहनत कर ली है मैंने इसको बनाने में। चलो भाई हाँ, अब देखो आपको कमेंट बताना है, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, माइनस का 30 और माइनस का 20 क्या आएगा, यहाँ पर बताना है आपको, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने माइनस का 20 और प्लस का 15 यहाँ पर क्या आएगा, और तीसरा आपके पास है माइनस का 13 और प्लस का 2 यहाँ पर क्या आएगा 4, माइनस का 10 माइनस का 8 यहाँ पर क्या आएगा, और पांचवा आपके साथ है 17 माइनस 8 यहाँ पर कितना आएगा। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो भाई लाइक शेयर और कमेंट करना कभी ना भूलिएगा। अगर आप पसंद आई हो तो इसी तरह की वीडियो अगर आप और चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसी तरह की वीडियोस का आनंद लेते रहिए।